आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी, जब आप कहीं राइट करते हो या किसी को बताते हो कंप्यूटर की डेफिनेशन तो समवेयर कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, या रट्टाफिकेशन वाली लैंग्वेज होती है जिसमें आप कभी सोचते हो कि या कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड व्हाट नेक्स्ट व्हाट, मीन्स आपको पता है कंप्यूटर क्या है बट एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने में समवेयर कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो या कहीं कहीं लगता है कि हाँ रटी हुई डेफिनेशन है। आज मैं आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताऊंगी समझा करके, जिससे कभी भी आप कहीं भी कंप्यूटर की डेफिनेशन को अगर डिफाइन कर रहे होगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कंप्यूटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। सो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि ये मशीन है जो कॉमनली ऑपरेशन के जो कभी कभी कॉमन टास्क होते हैं उनको एक साथ कई सारे लोग परफॉर्म कर सके, ऐसी मशीन को बनाया गया है। तो वो किस किस क्षेत्र में बनाया गया है वो हम देखते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। देखिए ये इसके फुल फॉर्म आपको जाने मतलब लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर अगर हमारे हमसे पूछा जाए तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में हिट करनी चाहिए वो है कैलकुलेटिंग मशीन। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ कैलकुलेटिंग मशीन। तो किस टाइप की कैलकुलेशन? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वन पेन फिर टू पेन फिर थ्री पेन, तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? कैलकुलेशन अगर हम मैनुअल भी कर सकते हैं तो क्यों इसलिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो आउटपुट हमारा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी है, वो हमें वेरी फास्ट चाहिए, जो ह्यूमन अगर चाहे मैन्युअली करना तो इतनी फास्ट नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन है। किस टाइप की है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? वेरी फास्ट। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। अब ये करता क्या है? विच एक्सेप्ट्स, क्या कर रहा है ये? विच एक्सेप्ट्स, ये लेता है विच एक्सेप्ट्स। अब ये किस टाइप की इनपुट लेता है? विच एक्सेप्ट डिजिटाइज्ड इनपुट। डिजिटाइज्ड इनपुट की क्यों बात करी हमने? देखिए अगर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये तो एनालॉग फॉर्म में इसका करंट जाता है, फिर हमने डिजिटाइज्ड की बात क्योंकि ये क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन करता है, लेकिन जब हम यहाँ से इनपुट देते हैं ये डिजिटल फॉर्म में देते हैं, मतलब 0101। 01 इज़ नथिंग, इट इज़ 1 अगर ये 1 है, और अगर लो वाला ये -1, इसको हम 0 बोलते हैं। तो इनपुट हमारा 01 फॉर्म में जाता है, इसलिए हम बोलते हैं विच एक्सेप्ट डिजिटाइज्ड इन्फॉर्मेशन। और ये वेरी फास्ट कैलकुलेशन करता है CPU और एल्गोरिदम के थ्रू, CPU के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये वेरी फास्ट कैलकुलेशन करता है और हमें आउटपुट देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल आउटपुट देता है। सो विच एक्सेप्ट्स डिजिटाइज्ड इनपुट एंड प्रोसेसेस इट, और इसमें क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसेस इट, किसमें? डेटा में। डिजिटाइज इनपुट जो हमें मिल रहा है फ्रॉम यूज़र से, इट एक्सेप्ट्स डिजिटाइज्ड यूनिट फ्रॉम यूज़र एंड प्रोसेस्ड इट। प्रोसेस करता है कैसे? प्रोसेस इट सीक्वेंशियल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस एड ऑन सीक्वेंशियल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे, जैसे स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन, उसको सीक्वेंशियल बेसिस पे जो उसको इंस्ट्रक्शन मिले उस पर प्रोसेस करता है एंड जनरेट इन आउटपुट और गिव्स आउटपुट टू द यूज़र। सो इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन विच एक्सेप्ट डिजिटाइज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस इट सीक्वेंशियल बेसिस एज द सीक्वेंशियल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी और मेमोरी एंड जनरेट आउटपुट टू द यूज़र। तो यू यूज़र के लिए आउटपुट जनरेट करता है। फीचर्स अगर हम देखें, फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर के, तो पहला फीचर्स हमारा आता है स्पीड, एंड सेकंड स्पीड से हमारा क्या काम करता है, जैसे अभी हमने बताया वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन प्रोसेस करके हमारे इनपुट में
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमारा आउटपुट, ये आउटपुट जनरेट करके हमें दे देता है, तो हम इसको स्पीड, बिकॉज इट इज़ स्पीडी डिवाइस. एंड सेकेंड अगर हम देखें तो ये रिलायबल है. रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी है. अगर इसमें कोई प्रोग्राम बना है 3+4, हम शॉर्ट बहुत छोटा सा देखते टू ऑपरेंड्स एंड वन एक ऑपरेशन परफॉर्म करते टू ऑपरेंड्स में, तो ये 3 and 4 7 ही देगा. अगर आप मैनुअली इसको सॉल्व करें, किसी छोटे बच्चे से सॉल्व करवाएं, मैं इसको सॉल्व करने की बात नहीं करती, कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर ऐसे ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो मैनुअली तो उसमें गलती हो जाएगी. बट हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फीड है उसमें गलती नहीं होगी, 3+4 7 ही देगा. तो ये रिलायबल है एंड स्पीडी है, रिलायबल है, डेलीजेंस है. डेलीजेंसी से क्या मतलब होता है, बिकॉज ये एक टास्क को कई बारी कर सकता है बिना थके बिना रुके. हम अगर किसी ह्यूमन को बोला जाए कि आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती को 100 बार बोलते जाएं, 1 2 10 1 2 10 1 2 10, तो वो थक जाएगा. या कोई काम अगर उससे बोल दिया जाए ह्यूमन को, किसी एक ही काम को बार बार करने, तो वो बोर हो जाएगा, थक जाएगा. पर कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू टेक अ सिंगल टास्क इन मल्टीपल टाइम्स. वो कई बारी एक ही टास्क को बिना थके बिना रुके कर सकता है. एंड फिर इसके बाद क्या है, इसमें मेमोरी है. यस, इट हैज़ अ ह्यूज मेमोरी. हम काफ़ी सारी चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, बट इट हैज़ अ ह्यूज मेमोरी. ये मेमोरी यूनिट के कंसेप्ट में आप देखेंगे, ये काफ़ी सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है और मेंटेन कर सकता है डेटा को अपनी मेमोरी सेल्स में. एंड फिर इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी. जितना भी डेटा है मैनेज करना और उसको ह्यूमन मैनेज करने के बाद सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना और डेटा की ट्रैकिंग ऑफ द डेटा, डेटा को प्रीवियस डेटा मतलब ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये सब डेटा अकाउंटेबिलिटी में आता है, जो कंप्यूटर का एक फीचर्स का एक पार्ट है. सो आप देख सकते हैं देयर आर मैनी फीचर्स, स्पीड, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस, मेमोरी, अकाउंटेबिलिटी एंड मैनी मोर. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी. थैंक यू सो मच.